वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाहै एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं यूज ऑफ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ध्यान से सुनिएगा, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें कि लिटिल का कहाँ यूज होगा, आ लिटिल का कहाँ यूज होगा और द लिटिल का कहाँ यूज होगा। तो मैं आपको, आप इसमें बने रहिए मेरे साथ, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज होगा। हाँ, तो गाइस, लिटिल का प्रयोग हमेशा कहाँ करना है, हमें लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के साथ करना है, जिसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल के साथ। और लिटिल का अर्थ हमेशा नेगेटिव में होता है, नकारात्मक, नहीं में आता है। मतलब लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। कोई चीज़ अगर ना के बराबर होती ना, तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं लिटिल का। और आ लिटिल का यूज़ करते हैं, इसका अर्थ जो होता है, आ लिटिल मतलब कुछ, थोड़ा सा, जैसे कुछ हो, थोड़ा सा हो। और जबकि द लिटिल का अर्थ जो होता है, वो होता है जो सब कुछ थोड़ा सा, मतलब जैसे जो जो आपके पास पहले से जो थोड़ा सा है ना, उसकी बात हो रही, जो आपके पास पहले से जो थोड़ा सा है, जैसे नॉट मच बट ऑल दैट इज, नॉट मच बट ऑल दैट इज। आप ऐसे समझ जाएंगे, मैं अगर हम सेंटेंस में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लिटिल के कुछ यूजेस करते हैं, यूज ऑफ लिटिल। आपको पता है इसमें क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, He takes little interest in parental business। मतलब इसमें वो केयर इंटरेस्टेड, he has hardly any no interest in, मतलब वो अपने घर के परिवार के बिजनेस में उसमें उसको बिल्कुल भी, ना के बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। We have little hope for his recovery। We have little hope for, of his recovery। मतलब ऐसा कहने का मतलब उसके ठीक होने की आशा है ना, बिल्कुल ना के बराबर है। He has little hope of his recovery, मतलब उसके ठीक होने की आशा बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर। He has little knowledge of computer, मतलब उसके पास जो कंप्यूटर की जानकारी है वो ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं। He has little knowledge of computer, उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपको little का मतलब समझ में आया, बिल्कुल ना के बराबर में यूज़ करना है। हाँ, तो अब आते हैं आ लिटिल। आ लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ थोड़ा सा, नॉट मच बट सम, मतलब ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा। जैसे कि वी हैव आ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, हमारे पास उसके ठीक होने की थोड़ी बहुत आशा है, थोड़ी बहुत आशा, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आशा तो है। आ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, बहुत थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी हमारे लिए खतरनाक होती है। प्रोबाब बहुत फेमस है, आ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, मतलब बहुत छोटा सा, बहुत कम नॉलेज एक बहुत खतरनाक होता है। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंशियल बिजनेस, मतलब वो अपने जो घर का बिजनेस है उसमें थोड़ा सा ध्यान देता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देता लेकिन थोड़ा सा देता है। इसको, इसमें आता है आपका आ लिटिल। अब आपका आता है द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल, बट ऑल देयर इज, मतलब समझ रहे हैं, जो सब कुछ बट थोड़ा सा, मतलब जितना कुछ, थोड़ा सा जितना भी है वो सब कुछ यही है। जैसे कहते हैं ना कि यार मेरे पास मात्र जो कुछ भी था बस यही है, जो कुछ भी था बस यही है, चाहे वो थोड़ा सा, इसमें आता है। जैसे हम एक उसमें आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द लिटिल मनी शी हैड, द लिटिल मनी शी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन, जो थोड़ा बहुत पैसा जो मेरे पास था ना, वो भी मेरा किस पे खर्च हो गया, मेडिसिन पे खर्च हो गया, उसने उसको मेडिसिन पे खर्च कर दिया। जो कुछ थोड़ा सा धन, थोड़ा सा, अब कुछ नहीं बचा, मतलब आप कुछ भी नहीं, थोड़ा सा था वो किस पे खर्च हो गया, आपका मेडिसिन पे खर्च हो गया। यूज द लिटिल टाइम फॉर यू हैव इन द प्रॉपर वे नाउ, जो कुछ थोड़ा सा टाइम बचा उसको प्रॉपर वे में यूज करें। जैसे मान लीजिए अभी आपके 12th के एग्जाम आने वाले बोर्ड के, तो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं यूज द टाइम, यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन द प्रॉपर वे नाउ, मतलब आप भाई जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है, जो बचा है, मतलब जो एक दो महीने या 15-20 दिन बचा है, कम से कम उसी में पढ़ लो, कहते हैं ना ऐसा पेरेंट्स, तो वही चीज़ इसमें आपका द लिटिल आएगा। सो गाइस, मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में, शायद आपको आ लिटिल आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस, को आप कमेंट करें, आप जो भी आपको समझ में नहीं आए आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।